हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी हम कवर करा चुके हैं, तो उन्हें जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, तो वहां से भी जाके देख लीजिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन गाइस आज का भी यहाँ पे हम सेट किए हैं। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को बता दें कि गाइस 24 स्टडी सेंटर के ऐप डाउनलोड नहीं किए, तो उन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आपको CVT 2 से रिलेटेड सारे के सारे आपको क्लास मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, PDF आपको PDF मिल जाएगा, साथ में आपका मॉक टेस्ट, क्योंकि ऑनलाइन तरीका से आपका CVT होने वाला है, ऑनलाइन तरीका से ही हम CVT प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोग के लिए, है ना। याद रख लीजिएगा, अभी ऑफर चला है केवल 600 ही है, जिसमें आपको सारे के सारे कुछ इंक्लूड होगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम तक हम आपके साथ होने वाले, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ हैं यहाँ पे। और कोई दिक्कत आ रही थी, इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, हाल ही का यहाँ पे 4 लिखा गया, 4 नहीं 1 हो गया यहाँ पे। ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स के बाद लगी रहती है, क्या लगी होती है, प्रोपेलर शाफ्ट हो या गियर बॉक्स या डिफरेंशियल या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेलर शाफ्ट हो जाएगी यहाँ पे। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में भी मिल जाएगा, बिल्कुल डायग्राम तरीका से भी आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए, ये गैस कुछ व्हीकल है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और व्हीकल के यहाँ पे देख सकते हैं गैस आगे में क्या होती है, इंजन होती है, और इंजन में ही गैस गियर बॉक्स वगैरह सेटिंग होती है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं गैस, प्रोपेलर शाफ्ट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या करते हैं गैस एक पावर का ट्रांसफर करने की काम करता है यहाँ पे। तो ये भी चीज आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। एंड गैस, इसी तरीका से डायग्राम के जरिए ही हम आपको वीडियो लेक्चर में भी काफी कुछ समझाए हैं। एंड गैस, क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करें गैस, वाहन में निम्न में से शीतलन, जिन्हें बोलते हैं गैस कूलेंट बोलते हैं, कूलन प्रणाली को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है। तो वायु शीतलन का प्रयोग करते हैं या जल शीतलन का प्रयोग करते हैं, ए या बी हो जाएगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक। वाहन वगैरह में देखोगे गैस तो एयर कूलिंग का भी यूज होता है और वाटर कूलिंग सिस्टम का भी यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम के जरिए आपको समझ में आ जाएगा गैस, ये है कुछ रेडी वाटर, आप देखोगे रेडी इंजन को ठंडा करने के लिए ना हम पानी का भी यूज करते हैं और एयर का भी यूज करते हैं, दोनों का ही यूज करते हैं, तो इसीलिए क्या टिक ला के ऑप्शन ए और बी दोनों को ही टिक लाएंगे, सी को टिक ला के चले जाइएगा एग्जाम हॉल में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो। एंड गाइस, 3 क्वेश्चन देखें, रेडी वाटर पंप का जो कार्य है वो क्या करता है, पानी को ठंडा करने का कार्य करता है क्या, जी नहीं, पानी को ठंडा करने का कार्य, पानी को उबालने का कार्य करता है क्या, जी नहीं। जनरेटर जब चलता रहता है तो आपको कभी कभी दिखता होगा पानी उबल रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे आता हो, तो नहीं, उबालने का भी काम नहीं करते यहाँ पे। रेडी वाटर गैस आपकी गाड़ी में भी व्हीकल में भी लगा होता है, जल को परिचालित करने का काम करता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिचालित मतलब एक सर्कुलेटिंग सिस्टम करने का काम करते हैं क्या। अगर हम इनको डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देखें, ये है कुछ रेडी वाटर और ये कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, ये है गैस इंजन वाली पार्ट, इसमें हम पानी डालते हैं, ये पानी रेडी वाटर के अंदर आती है और फिर यहाँ पे देखें ये पानी फिर इंजन में जाती है, इंजन की कई सारे पार्टों को ठंडा करती है, इंजन ब्लॉक में जाके फिर ये क्या करते हैं, फिर ये रेडी वाटर में आते हैं, फिर ये ठंडा होती है, फिर इसी तरह गैस क्या होती है, सर्कुलेटिंग होती रहती है यहाँ पे। तो ऑप्शन इसीलिए तो हम बोले सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और देखें, यदि इंजन में पानी की अगर कम रखा जाए तो संभावित परिणाम हो सकता है, तो क्या हो सकता है, पिस्टन का टूटने का खतरा हो सकता है, इंजन में नॉकिंग मतलब इंजन में आवाज थोड़ा सा आपको कटकट कर ज्यादा दिख सकती है, बैरिंग में खराबी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये सभी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंजन में अगर बात करो कि पानी का और सप्लाई कम हो, क्योंकि इंजन का काम क्या है, ठंडा रखने का काम करता है, ये कूलेंट का काम क्या है, ठंडा रखने का, वो इंजन ठंडा नहीं होगा तो पिस्टन रुक सकता है हीट के कारण से, क्योंकि पूरा हीट होता है, आग जलता रहता है, तो पिस्टन आपको टूट सकते हैं यहाँ पे, नॉकिंग की आवाज आ सकती है, बैरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब प्रॉब्लम आपको दिख सकता है अगर पानी की कमी आई तो। पानी इसीलिए कूलेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है फॉर इंजन के लिए। क्वेश्चन 5 देखें यहाँ पे, किसी ऑटोमोबाइल में इंजन से पावर पहिए तक पहुंचाने वाले शाफ्ट का नाम क्या है, स्प्लाइन शाफ्ट नाम है या कैम शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट या बहस शाफ्ट, तो आंसर हो जाएगा क्रैंक शाफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम के जरिए हम समझावे, तो मान लीजिए गैस ये है कुछ पिस्टन और ये वाला पार्ट को सिलेंडर बोलते हैं यहाँ पे, और ये पिस्टन से कनेक्ट होती है गैस, कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होती है, और इस वाला पार्ट को क्या बोलते हैं गैस, क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, और ये क्रैंक शाफ्ट ही यहाँ पे आप देखिए सही से डायग्राम, तो क्रैंक शाफ्ट ही फ्लाईव्हील से कनेक्ट होती है ना, तो यही तो क्वेश्चन पूछा था, फ्लाईव्हील से कनेक्ट वाली जो रॉड होती है उसको क्या कहते हैं, तो क्रैंक शाफ्ट कहते हैं, तो क्रैंक शाफ्ट को टिक ला लीजिए। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप थोड़ा इमेजिंग कर लीजिए कि ये लगा कहाँ, डिस्क यहाँ पे बात गैस जो डिस्क ब्रेक होता है उनका प्रयोग होता है कहाँ पे, अगले पहिया में या पिछले पहिया में, अगले वे पिछले पहिया में या इनमें से कोई नहीं,
डिस्क ब्रेक का जो प्रयोग करते हैं अगले और पिछले पहिया में करते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखें चार व्हील होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखें सभी में गैस डिस्क ब्रेक लगा होता है, तो चारों अगले और पिछले दोनों में ही लगा होता है यहाँ पे, है ना। नाउ गाइस क्वेश्चन सात देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आज सारे के सारे क्वेश्चन हम इंजन से ही लिए, और आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में भी दिख सकती है, ठीक है। तो ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा यार, 600 ही है, ज्यादा नहीं, देखिए 1200 प्राइस था, इन्हें सीधा 50% डिस्काउंट करके केवल 600 कर दिया गया है। तो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आप ही के बेनिफिट मिलने वाला है और सीवीटी 2 आपका काफी अच्छा तैयार हो जाएगा यहाँ पे। सात क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कार के इंजन में कार्बोरेटर का कार्य होता है पिस्टन चैम्बर में प्रवेश करने वाले पेट्रोल को फिल्टर करना, जी नहीं, यहाँ पे वायु और पेट्रोल को समुचित रूप से मिश्रण करने का काम करता है क्या, बिल्कुल एयर और पेट्रोल को एक मिश्रण करने का ही तो काम करता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु में इंजन जाने को रुकना है ये भी नहीं हो जाएगा, इंजन की स्वच्छ हवा को भेजना है, जी नहीं, बी को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा। यहाँ पे देखिए गैस ये है कुछ कार्बोरेटर और ये कुछ इंजन वाला पार्ट देखते हैं, है ना, ये यहाँ से एयर जाते हैं और यहाँ से फ्यूल जा रहे हैं, इन दोनों को एक मिक्सर करने का काम किसका है, कार्बोरेटर का ही है यहाँ पे। नाउ गाइस आठ क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले, सिलेंडर के आंतरिक व्यासों को क्या कहते हैं, पे थ्रो कहते हैं, बेल कहते हैं, या टीडीसी कहते हैं, या बीडीसी कहते हैं, मतलब टॉप डेड सेंटर कहते हैं या बॉटम डेड सेंटर कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बोर हो जाएगा यहाँ पे, मिस्टेक है, या बोर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बोर कहते हैं, बी को टिक ला के चले आइए। इमेजिंग थोड़ा समझ लेते हैं, नाउ ये है गैस सिलेंडर और ये है गैस पिस्टन, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं, तो ये जो हॉल वाला जो पार्ट गैप है ना उसको हम बोर कहते हैं यहाँ पे, ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, टीडीसी कहेंगे, तो टॉप डेड सेंटर कहेंगे, इससे बॉटम डेड सेंटर, और ये इतना से इतना डिस्टेंस को क्या कहेंगे, स्ट्रोक कहेंगे यहाँ पे, है ना, एक स्ट्रोक पूरा हुआ। तो इस रूप में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये भी पूछ लिया जाएगा, ये अभी तो ये क्वेश्चन हम सेट किए थे यहाँ पे, तो इस रूप में भी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में यहाँ पे, उसी अकॉर्डिंग पढ़ के जाना है यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन 9 देखें यहाँ पे, मोटर गाड़ी में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है, क्या कहलाता है, आंतरिक दहन इंजन मतलब इंटरनल कंबंशन इंजन कहते हैं, या बाह्य मतलब एक्सटर्नल कंबंशन इंजन कहते हैं, या पूर्व दहन इंजन कहते हैं, या उपयुक्त में से सभी। तो मोटर गाड़ी में जो प्रयुक्त होता है ना वो इंटरनल कंबंशन इंजन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है गैस कुछ व्हीकल, और व्हीकल में जो गैस इंजन का प्रयोग होता है वो इंटरनल कंबंशन, इंटरनल कंबंशन में क्या होता है कि स्पेस थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन गाड़ी व्हीकल के लिए पावर सफिशियंट होता है, जितना पावर चाहिए इतना मिल जाता है, तो कुछ ये था। और देखिए टेक्निकली नाम में बारह बोलो थोड़ा सा अलग होता है, देसी लैंग्वेज में आप अलग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ था गाइस, एंड भले ही क्वेश्चन कम होता है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इस ऐप पे आपको क्या क्या मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा जो कि ऑनलाइन तरीका से आप लोग सीबीटी 2 होने वाला है, ऑनलाइन तरीका से पीडीएफ आपको काफी सारा मिल जाएगा यहाँ पे, साथ में गैस आपका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, मतलब सीबीटी 2 से रिलेटेड आपको ए टू जेड चीज आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो मेरा काम है यहाँ पे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अभी ऑफर में चला है 600 है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, 50% ऑफ है, पहले 1200 था यहाँ पे, अभी डिस्काउंट है, तो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आ रही इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।